Thank you. Farahul, hi, hi Ujwal, hi Ramjam, hi Pooja, Selvan, Vicky, Suman, Madhu, Praveen, Saista, very good morning guys. तो क्या मैं टू मिनट ग अजय श्री सर पंद्रह मार्च से पी तक के टॉपिक्स पोस्ट करती हम ओके थैंक यू प्रवीण हां प्रियंका कांशा अथरा चलो ओह एवरीबॉडी for revision I am hoping economy environment aap log acche se kar rahe honge hai na isko acche se kar lo please bahut important pillars hain again I am telling you uh, five pillars in history we are doing and we have started for ancient as well है ना ancient में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं आज प्राइमरीली ये भी आप NCERT से कवर कर सकते हो एक ट्वेल्थ class की NCERT है और एक फाइन आर्ट्स वाली है

वी हैव अ मॉक काइंड ऑफ स्टफ बहुत दिनों से हो नहीं पाया बिकॉज शायद कल भी क्लास या तो नहीं होगी या फिर लेट होगी डिपेंड ऑन माई आई हैव अड डिप्लॉमेंट मेरा प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट है सो आई एल बी फ्राम फाइव ए एम एटलीस्ट टू सेवन टू एट ए एम तो रहेगा सो प्रॉब्ली एट और नाइन ए एम माई टाइम आई लव डेट गई है ना मतलब मेरा कल डिप्लॉयमेंट है और प्रॉब्ली आई एल बी ट्रेवलिंग ऑन वेन्सडे एंड थर्सडे तो वो तो वो भी दो दिन छुट्टी रहेगा उसमें भी नहीं रह पाऊंगा दिस वीक संडे को थोड़ा अच्छा क्लास करने का कोशिश करेंगे ठीक है चलो प्लीज अपना रिविजन पे फोकस रखना आई एम एक्सपेक्टिंग रखनाबडी इज डूइंग ऑल्टरनेट मार्क्स हफ्ते में तीन मार्क्स से दो मार्क्स से तीन मार्क्स तो कर ही रहे मैक्सिम इन टर्म्स ऑफ न्यू आई एम टॉकिंगउट मार्क्स ओके ऑल्टरनेट किसी को कोई मॉक की कमी हो तो प्लीज मुझे बता देना कि सर इस टॉपिक के सब्जेक्ट के मॉक्स नहीं मिल रहे बिकॉज वन ईयर डन विथ हिस्ट्री तो हमारा केवल एक साइंस एंड टेक रह जाएगा दैट सेट हमने बाकी सारे पिलर्स ऑलमोस्ट सारे कवर कर लेंगे आफ्टर एंशियंट एंड मिडीवियल है ना हाय विद्या रानी हाई मांशु हेलो अलका ओके सो uh, so, जब आपके जो जो पिलर्स हो रहे हैं आई आई एम नो कि आपका uh, आज मैंने इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी डाले हैं पुराने uh, और थोड़े एनवायरमेंट भी आई ट्राई टू कीप ऑन हार्डिंग ऑन डेली बेसिस ठीक है हल्का सी सेट का क्या चाहिए सी सेट का मॉक चाहिए ओके okay. हाँ मैं सब्जेक्ट सी सेट के मॉक्स दे दूंगा आपको परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है जि, जिस भी सब्जेक्ट के जितने भी मॉक्स चाहिए होंगे आप मुझे बता देना आप मुझे अपना अपडेट कर देना कि सर इतने मॉक्स कर लिए ये स्टेटस है ठीक है और क्लास के तुरंत बाद ड्रॉप में मैसेज अगर आपको कनेक्ट करना हो थोड़ा सा यार हेक्टिक चल रहा है बिकॉज ऑफिस भी रैप अप करना पड़ता है आई एम ऑन लीव नेक्स्ट वीक ना दो तीन दिन के लिए तो थोड़ा ऑफिस भी देखना चलो जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट है ना नेक्स्ट वीक में थोड़ा दो दिन का छुट्टी रहेगा प्रॉबेबली बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरपन कल्चर जसनील विद्या ओके हाय सत्यम सुमन हाय नेहा शाम्भवी निखिल आशना रेवन ऑलमोस्ट एवरीबडी इज क्लियर है मृत्युंजय ओके दिस इज परफेक्ट राइट ए इसमें किसी को डाउट नहीं है यार एनिमल्स प्लीज एक बार देख लेना कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन सी सील्स एक वो पशुपति सील पे कौन कौन से एनिमल्स हैं

अच्छा लेफ्ट में एंड टाइगर है शाम भी एंड राइट में हाँ ठीक है और कुछ एक ऊपर भी एक, एक एनिमल है क्या यूनिकॉर्न अलग होता है यूनिकॉर्न वाली सील अलग होती है राइट करेक्ट करेक्ट ये तो सीक्वेंस है ऊपर भी कोई मेरे ख्याल से हमारा डिस्कशन हुआ था एंटेलोप के लिए ना बिलो या अब एंटेलोप डियर तीस या परफेक्ट परफेक्ट गुड गुड चलो मूविंग ए हेड मैथ्स द साइट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एंशिय ancient... अच्छा सबसे बड़ी साइट कौन सी है एरिया के हिसाब से हर हाँ दू सबसे बड़ी साइट विच इज द लार्जेस्ट साइट राखी गिरी गुड गुड यस यस परफेक्ट कोई मुझे लगा मोहन जो दला हुआ हर हरप्पा बोलेगा राखी गिरी इज दार्जेस्ट हरियाणा में है इंडिया नहीं ऑल ओवर इंडिया पाकिस्तान में भी ठीक है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस कैसे मैपिंग होगा विद्या रानी सुमन अनुष्का यस करेक्ट आसान क्वेश्चन है न? जीनल ठीक है uh, नेहा गोडच्ची बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं ऋतु ने डी बोला है ऋतु इज ए डी सेल्वन डी राज वेलकम टू द क्लास राज आल्सो डी ऋतु सी 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 डी डी क्या चल रहा है ऋतु हम अच्छा प्रवीण बी ओके होगा हिमांचुपी सर वो मैचिंग में रॉन्ग कर दिया था नेहा ए नेहा आपने तो B, C, ल, आ, बी सी ठीक है डॉकेट वुड बी लोथल सो बी और डी ऑप्शन बचेंगे करेक्ट ए और सी तो हट जाएंगे काली बगान और दोनों में बी ऑप्शन दिया हुआ है इट वुड बी प्ल फील्ड है ना एंड डोलरवेरा एंड बाना वाली यस यस डॉकार्ड उसमें मिलता है या yeah, कालीबरान हो गया प्ल फील्ड एंड uh, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा थ्री फोर में से टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ऑफ प्लो कहाँ मिलेगा बनावली में टेराकोटा यस करेक्ट आंसर इज बी प्लीज आई एम सॉरी एक क्वेश्चन एक और देता हूँ मैं इसके बाद देता हूँ ठीक है राजस्थान प्रीति जस्ट हम लोग ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं करा है ना वी आर डूइंग ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हमने आर्ट एंड कल्चर में क्या कर लिया है टेम्पल आर्किटेक्चर कर लिया जस्ट आप वो टॉपिक अच्छे से कर लो है ना एनसीआरटी का एक चैप्टर हैुड इनफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में है ना जेनिज्म बुद्धिज्म है केवल अभी टॉपिक्स करो आप आप पूरा पूरा चैप्टर मतलब ये मैं सोचो डोंट टेक इट एज अ होल अभी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करो बस दैट सेट उसको भी एनसीआरटी से अच्छे से कर लो हार्डली एक यूनिट है तो अगर आप दो घंटे भी पढ़ोगे दिन का दैट वुड बी मोर देन इनफ टू टू थ्री आवर्स वुड बी गुड इनफ आप आप वर्किंग हो ना तो टू आवर्स वुड भी इनफ बट रिविजन आपके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज रिमेंबर द पिलर्स ओके प्रीति शाम्भवी सी आकांक्षा सी प्रियंका हाई खलेल ठीक है राज एवरीबडी इज क्लियर विद काली बगान राइस प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है ना उनका क्या इंपॉर्टेंस है है ना कॉपर ऑक्स कहाँ मिलता है जैसे अभी आपने देखा लोथल uh, पे पोर्ट मिलता है एविडेंस ऑफ राइस है है ना आईवेरी वेट बैलेंस है कॉपर डॉग है जस्ट हैव एन आइडिया है ना ग्रेट गैनरी कहाँ पे मिलेगी मोहन जदारो की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कालीबागान कहाँ पे है रंगपुर में एविडेंस ऑफ राइस राइस वॉज नॉट कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल वॉज जो इसमें आ, काफी वो भी मिलेगा आपको बैंगल्स या जो आपके आ, क्राफ्ट है ना क्राफ्ट सेंटर भी बहुत अच्छे से मिलता है सर अगर मीडिवेल अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो कोई यार देखो आ, ऐसा करना होता है आई यू राज क्या करता है ना आर्ट एंड कल्चर को आप मिक्स कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर एंड एंशियन मीडिवेल है ना सो इनके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो एडीवल के जितने भी क्वेश्चन पिछले साल में पूछे हैं आई हैंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन है ना उनको आइडिया ले लो कि वो क्वेश्चन से टॉपिक में से हैं एंड प्रिपेयर देम वेरी थॉरली और केवल एनसीआर करो दैट्स से आप छोड़ के मत जाओ यार आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुछ भी लेफ्ट आउट करो कंप्लीटली एरियाज आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर है इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन है इनको अच्छे से कर लो मैं आपको हाई टॉपिक्स तो कर लो यार कम कम, से कर, है ना? जो इजी है हाई टॉपिक्स हैं, जो इजी हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं अगर कुछ डिफिकल्ट आएगा एनसीईआरटी से बाहर आएगा वो आप छोड़ सकते हो ठीक है ना हाय जोगिंदर ओके हाँ दो लवे यहाँ पे लिखा नहीं है बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि ये आपको साइज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए करेक्ट काली बंगा में आ, यार आ, एक बार आप देख लेना निखिल है ना मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता है मैं आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए दिया है कि पशुपति सील कहाँ मिलती है है ना डांसिंग गर्ल कहाँ मिलती है ये आपको मदर गॉडेस की आ, किस जगह पे निकली है सिमेंट्री कॉफिन uh, बोरल ये सब आपको आइडिया होना चाहिए फायर एल्टर कहाँ पे है uh, और एक इसका मैप बना लेना है प्लीज जैसे अभी पूछा है ना uh, काली बगान कहाँ पे है uh, राखी गिरी कहाँ पे पड़ती है हरियाणा में पड़ती है जस्ट हैव एन आइडिया है ना ईस्टेस्ट ईस्ट ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है वेस्टर्न वेस्टर्न सॉरी मोस्ट कौन सी है ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है इंडिया में नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है ना समझ लो जस्ट हैव एन आइडिया बट इनको प्लीज एक बार बना लेना दिस इज फ्रॉम एनसीआर ओनली सो so, ये मैप एक बार आप बना लोगे ना जिस टाइम है ना ब्रॉडर आइडिया अच्छा ये ये साइट्स हैं मोहनजदारो कहाँ पे मिलता है सब ऑब्वियसली इंदस वैली सिविलाइजेशन है तो इंदस इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिलेगा जो सब सही कर रहे हैं एटलीस्ट यस अनुराग है ना वही आइडिया है कि जो मिनिमम आसान है ना वो सबको सबका सही होना चाहिए वो आप मिस मत करो तो आपको हाईलिंग टॉपिक्स मतलब मैंने आपको बोला जैसे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आप करोगे स्कूल ऑफ फिलासफी करोगे आ, हमने डांसेस करे हैं सो जस्ट हैव एन है आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए बहुत ज्यादा आप रटने की कोशिश मत करो ना, है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टेंजिबल है और इंटेंजिबल है उनके बारे में हल्का हल्का जैसे मैंने बोला रामसर है जो मैप्स बनाओगे ना किसी ने मैप बनाया है क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का चलो अब कौन कौन से जानवर मिलते थे जैसे कैमल आपको दिख गया है ना डॉग आपको दिख गया ऑक्स आपको दिख गया एक क्वेश्चन था मैंने चेक किया था आ, आ, मैंने इंक्लूड भी किया है ठीक है मतलब यार मेजर मेजर साइट्स के बारे में पता कर लो सात आठ बस इतनी तो मार्क कर ही लेना जितनी सात आठ मेजर साइट्स हैं डोंट वरी अबाउट कि मुझे एक एक ये सर ने ये कराया तो सारा कुछ पता होना चाहिए मैंने बोल दिया कि आपको अब इसमें जितने लिखे हैं वो पता होना चाहिए है ना काली बगान मोहन जदारो Uh, दोलावेरा ऑलरेडी है लोथल है रंगपुर में क्या स्पेशली मिला है अभी कोई रिसेंटली न्यूज में, है, में, एक पे कोई, uh, में आता है तो वो आपको इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कोई करंट में चीजें आती है ठीक right? yes. है ठीक है हेमांशु मैंने बनाया चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब दॉट करेक्ट इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सब प्लीज मेन रिमेम्बर दिस इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है ना राइट right से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है फर्स्ट यूज इट मार्क्स द फर्स्ट सिटीज इट मार्क्स द अर्स नोन यूज ऑफ आयरन एज अ मीडियम फॉर आर्ट ऑफ स्कल्पर के लिए इट मार्क्स द अर्स्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम ऑफ आर्ट ऑफ स्कल्टिंग एक आयरन है एक स्टोन है शाम पे भी हाँ वो आ, मतलब ना श्योरिटी नहीं होती मैं आपको अभी वो क्वेश्चन कराऊंगा कावर हॉर्स हॉर्स वाला या इट्स द वेस्टर्न मोस्ट सुकंदो गुर ओके द दहबाद इज करेक्ट राइट साधर्न मोस्ट इट्स सही है uh, को यार ईस्टर्न मोस्ट का श्योर नहीं है तू तो एक बार आप कन्फर्म uh, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है एवरीबडी इज ऑन सी सी सी

अर्ली वैदिक पीरियड टाइमलाइन थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना एनसीआरटी में मेरे ख्याल से 2600 से नाइनटीन हंड्रेड बीसी के अराउंड दिया गया है दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वैली सिविलाइजेशन एंड मेरे ख्याल से 1500 से हजार के अराउंड अर्ली वैदिक था उसके बाद 500 सौ बीसी के अराउंड लेटर uh, वैदिक पीरियड था राइट अर्ली वैदिक पीरियड सो है जस्ट हैव अ टाइमलाइन एक भी याद रखोगे तो आयरन यूजुअली हजार बीसी के अराउंड आया था यस 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 करेक्ट करेक्ट हाँ वही मतलब एग्जैक्टली exactly नहीं है जस्ट एक ब्रीफ है हाँ हजार से छह सौ के बीच में सॉरी हाँ हजार से पांच सौ हजार से छ सौ दैट इज अ टाइम पीरियड टाइम पीरियड फर्स्ट निशा हाँ ठीक है इसमें बाकी किसी में तो कोई डाउट नहीं है दिस इज हमने अभी देखा ये कौन सी स्क्रिप्ट होती है स्टोन एज अ मीडियम दिस वॉज अर्लिएस्ट काइंड ऑफ अ नोन यूज टलीस एलिमेंट दोड कॉटन मैनुफेक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया पता मुझे ऑप्शन नहीं लांगाई डन दिस एक्सरसाइज प्रीवियस इयर क्वेश्चन के ना बिना ऑप्शन के पूछूंगा आपसे मैं अब ये जो मैंने क्लासेस में क्वेश्चंस करा दिए उनका रिवीजन करवाएंगे सो विदाउट ऑप्शंस करेंगे मतलब ये आपको नहीं देना चाहिए बस ये बताओ इनमें से कौन सा सही है दोनों सही है निशा ब्लर है ना तो आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी यार सबको विक्की आकांक्षा एवरीबडी इज ऑलमोस्ट क्लियर है ना कॉटन यूज होता था एंड दैट वाज नॉट प्रेजेंट दिस इज करेक्ट सुमन आपने पढ़ा नहीं था बोथ आर करेक्ट यस बोथ आर करेक्ट सी इज इसमें कोई डाउट नहीं है ना कॉटन था सेकुलर सिविलाइजेशन थी आपको रिलीजियस एलिमेंट थे बट वो डोमिनेट नहीं करते थे और अभी तक हम वो जो स्क्रिप्ट है उसको डिसिफर नहीं कर पाए करेक्ट राज इट इज सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कॉटन वाज यूज्ड यस राइट एवरीबॉडी इज क्लियर राइट चलो Uh, characterize the people of Indus Valley civilization. They possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse drawn chariots in warfare. your options are very actually? I'm getting D. Very good. Uh, hi, Kavya. I got Selvan. टू ओनली इज बेसिकली सत्यम उके रमजन बी आकांक्षा बी रेवन हॉर्स सलोनी वेलकम टू द्लास जयश्री आशना शांबी सेकेंड बी बी ओके शायि एवरीबडी इज क्लियर ऑन बी चलेगा उज्ज्वल ऋतु नो टेम्पल्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड टेम्पल्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड हॉर्स ड्यूरिंग गुड गुड देखो यार आप सॉल्यूशन दिया करो जैसे अभी रितु ने बोला ना कि ये आपको कब मिला था हॉर्स यूजुअली अभी अभी सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं है ना और आर्किटेक्चर आपको पता है टेम्पल्स से स्टार्ट हुआ था है ना आर्किटेक्चर में हमने देखा था फेज वन वगैरह कब से स्टार्ट होता है उसका रिवॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है और गुप्ता पीरियड में पीक आउट करता है गोल्डन गोल्डन एज बोलते हैं गुप्ता पीरियड के लिए आर्यनस yes, yes, भी ठीक है आर एस भी डिस्प्यूटेड है मेल प्रोटेस्टिव फा फीमेल यस गुड गुड है ना गॉडस मदर गॉडस का मिला था दे वर नॉट एंगेज्ड इन वॉर आल्सो यू कैन से दैट है ना ऐसा कुछ डायरेक्ट आपको नहीं मिला दैट इज आल्सो करेक्ट प्रियंका सिटेड डेलिमिनेट टेंपल नहीं मेंशन है हिमानशु टेंपल नहीं है एक बार आप चेक करना पशुपति या uh, yeah, अनुराग परफेक्ट चलो ये क्वेश्चन अच्छा है यार इट्स अ गुड क्वेश्चन आप देखो डिफरेंस पूछा बिटवीन द कल्चर ऑफ रिग विदिद आर्यन है ना इन दिस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंगस आर करेक्ट रिग वेदिकस द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेर इज द पीपल ऑफ इन दिस सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दम ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट है रिग वेदिक आयरन्स न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेर इज इन दिस वैली पीपल नो ओनली कॉपर एंड आयरन रिगवेदर इज देर इज नो एविडेंस ऑफ been aware of this animal. कोई बात नहीं कहा एक घंटा ऊपर हो गया ना यार इसलिए ऐसा हो गया हैडी सिंग okay. या अनुराग ए एंड सी परफेक्ट तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए ये अभी हमने कराया राइट right? ये वाला स्टेटमेंट हमने अभी करा है कि आयरन नहीं मिलता था तो सेकेंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दोगे और अभी हमने हॉर्स के लिए भी बात करी थी करेक्ट अनुराग सलोनी सी एंड थ्री थ्री राहुल ए सत्यम ओके यस वेरी गुड है ना गोल्ड भी मिलता था गोल्ड की ज्वेलरी मिलती थी आप वैसे भी कह सकते हो है ना आप वैसे भी देख सकते हो और आयरन आयरन नहीं मिलता था वैसे भी देख सकते हो सो प्रोबेबली डोमेस्टिकेटेड का करेक्ट करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट में ना एक्चुअली आपको uh, मेरे ख्याल से एक एविडेंस मिलता है यार हॉर्स का आप चेक करना हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं किसी साइट पे ना देर इज एविडेंस उनका फॉसिल uh, रिमेन्स मिलते हैं इंडस वैली की साइट पे ठीक है पर यूपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर सी लोथल नहीं है यार कोई और साइट है आ, सुर्क या, या इच, इच, इसी में मिलते हैं देख लेना एक बार आप इस वाली साइड पे एविडेंस मिलते हैं हाँ राहुल करेक्ट करेक्ट लोथल नहीं अनुराग हाँ आर एस शर्मा में सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो रिसेंटली भी मिले पहले भी लिखा था बिल्कुल अच्छा यू आर राइट ठीक है इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला कि आपको आ, देखो वह टॉपिक रिपीट हो रहे हैं है ना 2013 में आपने देखा अगर आप ये भी इसका लॉजिकली आंसर निकाले होते है ना अगर आपने लॉजिकली समझा होता कि अच्छा हॉर्स नहीं मिलेंगे तो आप ये आंसर निकाल सकते थे कि यूपीएससी ने पहले बोला था कि नो एविडेंस ऑफ पीपल हैव बीन ऑफ दिस एनिमल तो आप आ, क्या कहते हैं इसको करेक्ट मान लेते राइट सो जस्ट करेक्ट आंसर इज सी फ्रॉम यूपीएससी मैंने की चेक करी दिया सी ठीक है तो आप मानो कि नहीं मिला है अभी तक पर वही वाली बात है यार कि आ, आपको आर एस शर्मा डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा बट ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये समझाने का कि प्रीवियस ईयर में टॉपिक रिपीट होता है ठीक है मूविंग अहेड गाइस वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ अ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडस वैली बीन डिस्कवर्ड हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ओके अनुराग एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं यस यस ऋतु उसमें ना रीसेंट डेवलपमेंट भी होते रहते हैं यार एनसीआरटी के बाद ना कोई रिसेंटली न्यूज में चीजें आती रहती हैं उसमें भी कहीं बरियल्स मिले हैं एविडेंस मिले हैं इसलिए एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस या दिस इज परफेक्टली फाइन लोथल इज द आंसर है, yeah, है ना राहुल ठीक है आंसर इज ढोला करेक्ट करेक्ट उज्वल राहुल बी नहीं नहीं सिद्धार्थ सिद्धार्थ जयश्री नहीं डी इज द करेक्ट आंसर ढोलावेरा में मिलते हैं ठीक है एनसीआरटी से इट्स डायरेक्टली वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा आंसर इज डी लूथल इज डॉक यार्ड परफेक्ट है ना लूथल में आपको डॉक यानी कि पोर्ट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी सो so इट इज ढोलावीरा साइट या yeah, इस इसमें शायद कुछ आर्कोलॉजिकल म्यूजियम की बात भी हो रही थी ना यार एक बार चेक करना है शायद लास्ट ईयर के बजट में बात हुई थी ठीक है तो जितना भी आपका बजट में मैं बोल रहा हूं बजट में न्यूज में कुछ आता रहता ना। है ना करंट अफेयर्स में प्लीज में कीप एन आए है ना हो सकता है कुछ लेटेस्ट अपडेट वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये वाली चीजें तो यार सबने अब पढ़ ली हैं पर ऐसा नहीं है ये मत सोचना ये यूपीएससी दो तीन बार पूछ चुका है तो नहीं पूछेगा उससे रिलेटेड टॉपिक जरूर मिल जाएगा आपको चलो मूविंग अहेड गाइस ये मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए अब आप मुझे बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है अपने आप से आपको बताना है वन टू कुछ भी आई एम नॉट गिविंग ऑप्शन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना आपको क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया करूंगा मैं सबने बहुत राइट लिया है तो आपको लॉजिक आंसर और सॉल्यूशन बताना पड़ेगा ठीक है बहुत आसान है वैसे फेमस वर्क ऑफ पूछा हुआ है तो ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिवाना बिलो इमेज ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉड इज अर्थ फ्रॉम द डीप एंड कटिक वॉटर्स स्कल्प्टेड ऑन रॉक ठीक है एंड द गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूज बॉर्डर करेक्ट पूछा है जय श्री रेवन ने बोला है थ्री ओके अथरा थ्री ओनली गुड अथरा मैरिटाइम यस yes, मैरिटाइम म्यूजियम ओनली थ्री करेक्ट सुमन काव्या भी थ्री ओनली सेल्वन थ्री ओनली नशा थ्री ओनली गुड आई गेट uh, प्रजापति uh, प्रियंका सी एज एन थ्री ओनली ओके अनुष्का वन एंड थ्री राहुल स्किप नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये हम लोग कर चुके हैं राहुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते uh, सिद्धार्थ ओनली थ्री मधु वन एंड थ्री वन एंड टू इंटरचेंज ओके जीनल वन एंड थ्री सलोनी वन एंड थ्री थ्री निखिल थ्री ये तो करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है सब फसर है रमज़म ओके सो करेक्ट आंसर इज वन एंड थ्री ये कहां पे मिलता है यार क्यूज इमेज ऑफ वहारा ये क्यों गलत है करेक्ट क्या है बुद्धा महा, महापरिणिवाणा आपको अजंता में मिलेगा अनुराग उसको वही बोलते हैं अनुष्का हम्म ये वाला क्यों गलत है उदयगिरी कहां पे यार उदयगिरी उड़ीसा वाली है क्या ऋतु उदयगिरी केव्स ठीक है ठीक है अनुष्का देख लो आप हाँ वाहर अवतार उदयगिरी प्रवीण ने बोला उड़ीसा यस एमपी वाली है सी किंगडम कौन सी डायनेस्टी के थी एमपी में कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे थी गुप्ता पीरियड क्या परफेक्ट गुप्ता पीरियड यू आर करेक्ट उदय सो so, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ठीक है दिस इज फाइंड इन उदयगिरी एमपी विदिन गुप्ता सेकेंड भी महाबलीपुरम में नहीं यार ये वाली ह्यूज इमेज ऑफ वहारा अवतार ये तो डायरेक्टली एनसीआरटी में जहगरीव में मिलेगी आपको प्रियंका एक बार आप चेक करना महाबलीपुरम में नहीं है वो ठीक है बच्चे और महाबलीपुरम मैंने आपको बताया था ना आ, वो भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है याद है आपको हमने यूनेस्को कि चोला आर्किटेक्चर महाबलीपुरम चोला आर्किटेक्चर हम्पी पताडगल ये अच्छे से कर लेना चार पांच इनको प्लीज अच्छे से कर लेना बार बार चीजें पूछी जाती हैं उसमें से किसी को डाउट नहीं है ना देखो यार ऑप्शन हटाने पड़ेंगे आप लोगों के ना चलो अगला क्वेश्चन करते हैं History of Indian rock-cut architecture. Consider the following statements: The caves at Badami are the oldest surviving rock-cut caves in India. The Barabar rock-cut caves were originally made for Ajivikas for, by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for different faiths. महाबलीपुरम इज द ओल्डेस्ट ओके प्र, प्रवीण ऋतु थ्री ओनली रितु सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लिया ना सेल्वन वन एंड थ्री उदय थ्री ओके उदय आप अपना लॉजिक भी दोगे क्या प्लीज जो भी आप आंसर दे रहे हो ना उसका लॉजिक क्या है मतलब आपने एलिमिनेट किया है आपको पता है अगर आप बोल रहे हो टू ओनली फॉर एग्जाम्पल है ना तो आप क्यों बोल रहे हो कि वन एंड थ्री क्यों गलत है वो बताओ जरा एक बार है ना रिमझम जीनल सलोनी ओके okay. मधु थ्री ओनली और नन ऑफ द वा हाँ यार नन ऑफ द बॉ भी रहेगा है, है ना याद रखना दैट्स गुड मधु नन ऑफ द बॉ भी हो सकता है कि हो सकता है तीनों ही गलत हो वो आपको अपने आप से बताना है ऑल है नन ऑफ द बॉव है वन टू थ्री ऑप्शंस बढ़ जाते हैं आपके लिए थ्री ओनली ये पता है हंड्रेड परसेंट ओके हिमांशु बाकी सबका यस yes. गुड गुड रितु बराबर आर द ओल्डेस्ट मेड बाय आजीविका सेक्ट बाय अशोका एंड दशरथ ऑफ मौर्य परफेक्ट है ना तो बराबर रॉक कट केव आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केवस इन इंडिया तो बदामी नहीं है एंड दे आर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय नॉट चंद्रगुप्त मौर्य बट अशोका एंड इस ग्रांड सन और अलोरा में कौन कौन से फेथ मिलते हैं जैन बुद्धा हिंदू परफेक्ट जैन बुद्धिज्म एंड हिंदू गॉड्स गुड गुड ठीक है तो अच्छा ये किसने स्टार्ट किया था आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन था काव्या एम जस्ट कमिंग अशोका नहीं था यार फाउंडर आजीविका सेक्ट का है ऐसी गोपाल नहीं था उधर गोसाली नहीं जैन नहीं था आप पहला ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है अजंता ओनली बुद्धिज्म था तो बुद्धा बुद्धा का महापरिविर महा वहां पूछा था ना काव्य इसमें क्या डाउट है बताओ मकाली गौसाली गोपाल गोपाल करेक्ट हाई सुयोग्य सुयोग्या आई थॉट यू स्टार्टेड लॉ यू हेट यूपीएससीज ऑल द वेरी बेस्ट यार फॉर टुमोरोस्ट थैंक यू महाकाली घोषाली गॉ रेट ओके चलो दिस इज ऑल्सो करेक्ट हाँ बाय द मॉडर्न पीरियड एंड दे वर बिल्ड द ओल्डेस्ट रॉक भूलना मत यार बराबर केव ठीक है लोमस ऋषि केवस का एंट्रेंस है ये बहुत ही मतलब आप देखो यार इतने स्टोन पे कार्विंग करना उस टाइम पे कितना मुश्किल होगा तो उसमें बारह बुद्धिस्ट हैं सत्रह हिंदू हैं एंड पांच जैन हैं प्लीज एलोरा अजंता के बारे में प्लीज थोड़ा सा देख लेना अगेन इट इज ऑल्सो इन द यूनेस्को जो भी यूनेस्को का क्राइटेरिया है वो भी आप एक बार चेक कर लेना इन अंता गुडिया यार इन दस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन बिकॉज द साइट ऑफ हड़प्पा इज सिक्स लार्जर दैन मोहन जदारो साइड द इज़ वैलीडर्ड द एलिमेंट्री इनिशियल स्टेज ऑफ वेदिक कल्चर एंड हड़प्पा इज बिल्व टू बी द सेम एज हड़प्पा मैं ठीक है अच्छे से पढ़ना डिटेल में फर्स्ट साइट टू बी एक्सटेड इन दस वैली and the most important evidence of the achievements of the civilization have been excavated from harappa in this valley civilization go harappa culture yes, the cubo so, there right? yes, correct sandhya welcome to the class guys uh, i have 45 people in the class please make sure everybody like

हाय डनगन सर डी नहीं दिख रहा है ओके मेरी उसकी वजह से क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द सिविलाइजेशन द अचीवमेंट्स ऑफ द सिविलाईजेशन साहनी क्या बात है वेरी गुड परफेक्ट Uh, various causes have been suggested for the decline of Harappan culture. Consider the causes mentioned below. Identify the weakest of them. Okay? Due to constraint of naturally occurring floods, due to increase in salinity of the soil, fertility decreased there. Earthquake caused changes in the course of the Indus, which led to inundation. And Aryans invaded and destroyed the Harappan culture. Last statement is Aryans invaded and destroyed the Harappan culture. सलोनी ए ओके प्रवीण डी निशा डी अथरा डी निखिल डी शाहिश्ता रमज़म ए या सी में से एक होगा ओके okay. प्रियंका डी विक्की बी ओके बी भी बहुत सारे आ रहे हैं वेरी गुड सी और डी में कन्फ्यूजन है ए और डी में कन्फ्यूजन है ठीक है डी ए ड्यू टू फ्लज सलोनी परफेक्ट जसलीन ए जसलीन ने भी ए बोला है ड्यू टू फ्लज सी एंड डी दोनों मार्क करेगा सेल्वन ओके okay. आनंद ऑल्सो हैव ए और डी नशा ए भी हो सकता है क्योंकि फ्लड कॉज भी पड़ा है ए रिसेंट स्टडी शोड डेफिनेटली सम नेचुरल डिजास्टर सी डी यार क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो ठीक है कंसिडर द कॉज मैं बिलो एंड द आईडेंटिफाइड ऑफ दम वीकेस्ट कॉज बताना है आप स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज बता रहे हो समझ में आ रहा है पहली बात तो आर्यस का हमने भी टाइम पीरियड देखा है ना पर आप कह सकते हो सर डिक्लाइन के टाइम में आया क्योंकि वो पंद्रह के अराउंड आ रहे थे और हमने देखा है कि छब्बीस सौ से उन्नीस सौ के अराउंड उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था इंदेस वैली का राइट तो आप कुछ चार सौ ईयर का गैप है बट आप मोटा मोटा कह सकते हो ठीक है और ए और सी तो होंगे ही नहीं ए और सी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है यस यस दैट्स दैट्स परफेक्टली है ना आप उससे देख सकते हो कि ए और सी तो आप हटा ही सकते हो बी और डी में आपको कंफ्यूजन रहेगा यस इंक्रीज इन द सेलिनिटी ऑफ द सॉइल आप कह सकते हो ना इनंडेशन हुआ होगा मान लिया अगर बहुत ज्यादा फ्लड है या पानी का इनंडेशन होता है ओवर ओवरफ्लो ऑफ पानी हो जाता है तो उसमें सेलिनिटी बढ़ सकती है करेक्ट अगर फ्लड जाते हैं तो आप फ्लड्स का एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है ना सेलिनिटी ऑफ सॉइल एक फर्टिलिटी भी बढ़ सकती है बी नहीं वीकेस्ट होगा या डी वीकेस्ट होगा इंदिरा ऑल्सो नोन एस पुरंदर जेम्स मार्शल थ्योरी वेस्ट या ठीक है आपने बोला चलो सबने लॉजिक भी दे दिया Uh, थोड़े से के क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी विल बी अनफेक्टेड बाय अब ऑप्शंस नहीं है नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है है ना और अनएफेक्टेड है ठीक है इनसे अफेक्ट नहीं पड़ेगा अब बनाओ ऑप्शन अपने आप ये मैंने ऑप्शन इसलिए हटाया बिकॉज इट्स अ रिविजन क्वेश्चन प्रीवियसली संध्या थ्री आई गॉट थ्री एंड फोर ठीक है प्रियंका सैट थ्री ओनली यार ये अच्छा है दिस इज आई रियली लाइक इट विदाउट ऑप्शन आप लोग बहुत ही कम लोग आंसर दे पाएंगे जिनका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा ना वही आंसर सही दे पाएंगे दरवाइज तो आप एबीसीडी करके बता दे दो सैल फोर ओके थ्री थ्री एंड फोर थ्री ओनली थ्री ओनली काफी लोगों का आ रहा है फोर ओनली जीनल सेट टू एंड थ्री ओके सेलवन अभी तक एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया आई डेंट गेट द करेक्ट आंसर दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस आई नीड टू डू दिस ऑल ओके okay. और नन ऑफ दॉ भी कोई है ऑल हो गया चलो लॉजिकली बताओ मुझे नॉमिनल जी क्या होता है रियल माइनस इन्फ्लेशन करेक्ट रियल माइनस इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन लेवल से तो फर्क पड़ेगा नॉमिनल जीडीपी को तो वन हटा दूं ठीक है एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री गिवेन कॉन्स्टेंट आउटपुट नॉमिनल जीडी में कहीं कैल्कुलेट होता है क्या टू थ्री एंड फोर ओके क्लोज स्टिल नो करेक्ट आंसर ऋतु वन तो होगा नहीं करेक्ट नॉमिनल में जीडीपी का फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन के कारण एन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन इनकम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी एक्चुअली uh, कैलकुलेशन में नहीं फर्क पड़ता रितु uh, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना नॉमिनल uh, या रियल जी डीपी की तो आप एम्प्लॉयमेंट से फर्क नहीं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री गिवन कॉन्स्टेंट आउटपुट ये करेगा यार दिस विल नॉट अफेक्ट आप इनडायरेक्टली सोच रहे हो जब आप कैलकुलेशन करते हो दैट इज नॉट नेसेसरी जो आप कॉन्सिक्वेंस uh, देख रहे हो ना एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा कम होगा तो इनकम में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ठीक है सो दिस विल नॉट अफेक्ट तो यही पूछा हुआ है तो टू ऑप्शन तो आएगा ही आएगा आंसर में ठीक है टू ऑप्शन तो आएगा बिकॉज़ क्वेश्चन में पूछा अनेड जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आप लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट नहीं चेक करोगे आउटपुट कॉन्स्टेंट है रियल इज वेन एडजस्टेड इन्फ्लेशन सो आंसर इस हा आंसर पे आते हैं काव्या uh, रिमझिम आंसर पे आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अच्छा एक बताओ वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट जी डीपी क्या होती है जीडीपी की डेफिनेशन बताओ यार प्लीज वट इज द डेफिनेशन ऑफ जी डी पी गाइज अनुराग करेक्ट मधु करेक्ट टू एंड फोर इज द आंसर आई एम जस्ट आस्किंग जी डी पी की डेफिनेशन प्लीज बता दो यार एक बार ऋतु हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार अभी आ रहा हूं मैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी परफेक्ट है ना तो इंपोर्ट से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए राइट right? इंपोर्ट से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद इन द कंट्री विद इन द विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री करेक्ट अनुराग यू रिमेंबर दिस इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था सर नेट फैक्टर फॉर नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपने जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे ली है एक बात बताओ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इनकम क्या होता है नेट फैक्टर इनकम क्या होता है डोमेस्टिक में जितना भी बाहर वालों ने प्रोड्यूस किया है माइनस अपने नेशनल्स ने या अपने सिटीजन ने बाहर कंट्री में जो प्रोड्यूस किया है है ना जो भी डोमेस्टिक मतलब जो फॉरेन कंट्रीज ने यहां पे मैन्युफैक्चर किया है जो भी वो यहां पे लेके गए हैं और माइनस जो हमने बाहर लिया है नहीं नहीं एन एफ आई ए इज नेट फैक्टर नेट फैक्टर पूछ रहा है बच्चे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है ओके नेट फैक्टर इनकम रिमझिम एनएनपी पे आएंगे विद इन गुड्स प्रोड्यूस विद इन स्पेसिफिक ओवर वन ईयर यार ये बताओ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है ओनली बाहर वाली कंट्री होती है क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर यह नेट नहीं होता ना बच्चे तो आपका पॉइंट चाहिए था नेट में क्या होता है ना आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर माइनस करते हो नेट में जो बाहर वाले यहां से ले गए होंगे आप केवल ला रहे हो जो हमारे इंडियंस ने बाहर कमाया होगा जैसे सपोज करो अगर आ, मैं कोई कैलकुलेशन वो वो पार्ट ले रहा हूं जीडीपी का आ, मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज यहां दे रहा हूं है ना वो आप ऐड करके वो आप ऐड करोगे तो जीएनपी हो जाएगा नेशनल्स के लिए जीएनपी हो जाएगा बट इसके अंदर ना गुड्स एंड सर्विसेस जो बाहर वाला बंदा ला रहा है माइनस डोमेस्टिक वाला भी माइनस करते हैं तो डोमेस्टिक वुड भी कंसिडर अंडर जी डी पी इन साइड वाला माइनस करोगे ना तो इन साइड वाले में मान मान किसी टोयोटा कंपनी है यूएस की है ना जापान uh, की सॉरी वट एवर इट इज उसने इंडिया में कुछ प्रोडक्शन करी है ना या फोर्ड ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी वो आप माइनस करोगे ना वो आप माइनस करोगे नेट इन फैक्टर निकालते हुए तो सी नहीं आएगा यार नहीं नहीं रितु मैं आपकी बात समझ रहा हूं देखो आप जो बोल रहे हो ना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री गिवन कॉन्स्टेंट आउटपुट जब आप जीडीपी बढ़ाने जाओगे एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है कि ज्यादा है कोई जरूरी नहीं है ना उससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आप, आप ये कैसे श्योरिटी से कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम इंक्रीज ही होगी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट्स नॉट अबाउट इनकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है कि कम हो रही है वो पूछ रहा है अभी चार परसेंट का लेवल ऑफ चार परसेंट यही देख लेते हैं अगर चार परसेंट का एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट रेट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे आप जी जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हो जब आप जीडीपी की कैलकुलेशन करने बैठोगे तो एम्प्लॉयमेंट रेट पे कोई आप कैलकुलेशन करते हो ना जीडीपी की तीन तरीके से करते हो बच्चे उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट लेते हो क्या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री गिवन कांस्टेंट आउटपुट अभी आप कांस्टेंट आउटपुट हटा भी दो रहे तो एम्प्लॉयमेंट रेट को आप कंसिडर करते हो क्या जब आप जीडीपी की कैलकुलेशन करते हो प्रोडक्ट मैथड से जीएफ ग्रॉस वैल्यू एडिट है ना इनकम मैथड से किसी भी मेथड में आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हो कि क्या है ऋतु एन एफ आई ए भी इनकम फ्रॉम आउटसाइड है सर यह तो क्लियर है ना विल नॉट भी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज टेरिटरी है ना तो मेरे ख्याल से टू वन uh, भी क्लियर होगा इन्फ्लेशन की वजह से फोर भी क्लियर होगा है ना दे विल नॉट बी कंसिडर क्योंकि हम देखते हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस विद इन द कंट्री थर्ड में इशू आ रहा है है ना जी डी पी कैल्कुलेशन डू नॉट कंसिडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड जी डी पी इज कंसर्न विद वॉट इज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज टेरिटरी वेदर इट इज प्रोड्यूस बाय द दिटिजन और फॉरनर्स वर्किंग इन द कंट्री विद इन एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड द कॉम्पोनेट ऑफ प्रोडक्शन हैपनिंग द कंट्री विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ जी डी पी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना बाहर का आप जो फॉरन इनकम ले रहे हो जो फॉरन फो, में सपोज करो मैं आप एग्जाम्पल लो मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज दी है माइनस क्या होगा नेट जो इंडिया में बाहर के नेशनल्स ने गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड बाय फॉरन नेशनल है ना और ये आपका जीडीपी में कंसिडर हो जाएगा क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है मैनुफेक्चर हुआ ऋतु हा प्रोसेसिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोबारा चेक कर लेना यार कोई भी दिक्कत होगा ना प्लीज मेरे को आप टोक दिया है I, I really, uh, आप करो है ना आई रियली एनकरेज कि आप थॉट प्रोसेस डेवलप करो यार मैं बहुत जेनवली बोलता हूँ कि मेरे से गलती होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर बोल दिया आप वो उसे बो ले लोगे रूल ले लोगे राइट जस्ट डेवलप योर मतलब हम लोग डायलेक्टिक्स की कोशिश करते हैं आप देखो कोई गलती होगी तो मुझे बताओ हम लोग एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे आप लोग ग्रुप में डिस्कस करो नहीं होगा तो मुझे टाइम दो आई हेल्प डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन इट्स नॉट कैल इट इज नॉट कंसिडर इन द कैलकुलेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से एक्स है मीनिंग एवरेज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है कॉन्स्टेंट आउटपुट है ओके दैट लीड टू इंफ्लेशन विच लीड टू इंक्लूजन इन आप बोल रहे हो कि इनकम बढ़ेगा अच्छा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट आउटपुट पर बात करेंगे ऋतु uh, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ ठीक है ऑलरेडी फाइव फिफ्टी फाइव हो गया आई हैव अ क्लास एट सिक्स ठीक है इसको आप चेक करो मैं भी एक बार चेक करके बताता हूँ पर मेरे हिसाब से आ, आप जो बोल रहे हो ना वो नेसेसरी नहीं है दैट्स नॉट मैंडेटरी मे बी मैं जो इनकम मेथड होता है ना ये तीन मेथड जो होते हैं जी कैलकुलेशन के एक बार वो भी चेक कर लूंगा ठीक है उसमें कहीं कंसिडर होता है एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट अरे यार मेरी मेरी ये वाली क्लास नहीं है रमजिम मेरी जिम आ, मतलब योगा क्लास है ठीक है चलो गाइस आई हैव गुड क्वेश्चंस यार मैंने पुराने क्वेश्चंस डाले थे आ, थोड़े से इकोनॉमिक वाला ये ये टॉपिक्स है ना बिना ऑप्शंस के ही रिवाइज करेंगे दैट्स अ गुड प्रैक्टिस आई फील आपका रिवीजन होना चाहिए ठीक है यस पूजा जॉबलेस ग्रोथ की भी बात कर सकते हैं कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही एम्प्लॉयमेंट क्या है बट कोई दिक्कत नहीं है है ना चलो टेक केयर गाइस थैंक यू कीप रिवाइजिंग ओके परफेक्ट ये आप लोग भी इंक्लूड कर लेना यार ऋतु और कौन आदित्य निखिल आप लोग भी बिना ऑप्शन के ट्राई कर सकते हो स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप ले रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना रट गए दैट्स है चलो टेक केयर गाइस बाय बाय